प्लीज सर आप लोग बात को समझो। सर यहाँ मेरे पास जो डेटर कन्वर्ट सिंपल डेटर का मतलब पूरी क्लास क्या हुआ, जिनसे आपको पैसा मिलने वाला। और सर यू आर माय डेटर, यू आर माय डेटर, बोले सर पैसा लाना टाइम पे, पैसा टाइम पे लेकर आ जाना। अब प्लीज सर बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपने किसी को सर माल बेचे, बोले सर पैसा देना आज से 10 महीने के बाद, मैंने उसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल क्या बोलूंगा मैं, ही इज माय डेटर। तो डेटर का सिंपल मतलब क्या है, पैसा आना कि जाना, पैसा आ रहे कि जा रहे, पैसा आ रहे कि जा रहे। डेटर असेट और लायबिलिटी, बी आर असेट और लायबिलिटी। बी आर का मतलब क्या होता है, पैसा आ रहे कि जा रहे, पैसा मेरे पास आ रहे। डेटर और बी आर आपके लिए असेट की लायबिलिटी है, सिंपल आपके लिए असेट याद रहेगा। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देने जा रहा हूं, अगर एग्जाम्पल सर समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझी तो उससे अच्छी बात है, नहीं समझी तो उससे अच्छी बात है। प्लीज सर आप लोग बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल सर कि ये 50 लोग को मिला के तकरीबन आपने यहाँ पे जो माल बेचे, तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए आपने क्या करे थे, माल बेचे, और मेरे पास यहाँ पे डेटर कितने का पूरी क्लास 60,000 रुपए का डेटर है। मिस वर्ड के सर आपको कितना पैसा मिलने वाला है, पूरा 60,000 मिलेगा। ये आपका सर 50 लोग का, किसी को आपने 1,000 का बेचे, किसी को आपने 2,000 रुपए का माल बेचे, ऐसे करके तकरीबन आपने कितने टोटल कितने का माल बेचे, 60,000 का। ये आपके पास टोटल डेटर है, मतलब कि सर इतना पैसा आपको मिलने वाला है। अब सर प्रॉब्लम सर यहाँ पे आ रही है कि ये 50 लोग में सर आपके पास ये मोस्ट वांटेड फैमिली भी तो आ रही है सर, भाई बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब सर यहाँ पे इनका नाम आपने क्यों लिया, बिकॉज सर ये लोग आपका पैसा यहाँ पे डुबाने वाले सर। अच्छा बताओ पूरी क्लास मुझे टोटल कितना पैसा मिलने वाला है, पूरा का पूरा 60,000। अब सर यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ, रामू मेरे पास है, उसने बोला कि सर देखो मैं 60,000 में से तकरीबन जो 4,000 रुपया है ये सर पैसा मैं आपको नहीं दूंगा सर, क्या करने कर लो जाओ। मेरे पास पहले कौन आ रहे, रामू आए, उसने क्या बोला सर मैं आपको 4,000 रुपया नहीं दूंगा सर, मुझे कितना पैसा मिलने वाला है टोटल 60,000, उसमें से कितना पैसा नहीं देने बोल रहे। अब कितना मुझे बोले आपने, सिंपल 56,000 सर ये पैसा अब आपको मिलेगा। अच्छा बताओ मेरे पास पहला कौन सा भाई आया, रामू ने क्या बोला सर मैं आऊंगा आपको पैसा देने, बोला क्या सर पैसा आपको नहीं दूंगा सर, मैं 4,000 रुपया आप सबका डुबा दूंगा सर। अरे बोलो ना, पैसा मैं डुबा दूंगा यहाँ पे, आपको पैसा नहीं दूंगा। अब बता मुझे आप कितना पैसा मिलेगा, 56,000। अब सेकंड मेरे पास कौन सा भाई है, सर कामू आया। अरे भाई मेरा रामू आया था क्या, मेरा भाई बड़ा भाई, बोला हाँ सर रामू आया था, क्या बोला उसने, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो मैं कौन सा पैसा दूंगा, मैं भी तो पैसा नहीं दूंगा। क्या बड़े भाई ने पैसा दिया, क्या छोटा भाई पैसा देगा, बोले सर मैं भी आऊंगा, मैं भी सर आपको पैसा नहीं दूंगा। मतलब कि जिसने बोला सर 6,000 रुपया मैं आपको नहीं दूंगा। अब प्लीज सर बात को समझो, बताओ पहले कितना मिलने वाला था, उसमें से कितना पैसा नहीं मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए था फिर 56, अब उसमें से कितना पैसा नहीं मिल रहा है, अब कितना पैसा मिलेगा टोटल पूरा 50,000 सर ये आपको पैसा मिलेगा। अब बोले सर ये हो रहा क्या है, भाई पहले भाई ने पैसा डुबा दिया, भाई दूसरे ने भी पैसा डुबा दिया, मिस वर्ड के सर एक बंदा उसके पास है, उसने बोला अरे भाई पूरी फैमिली सर डुबा हुए सर, पूरी फैमिली डुबा हुए सर, आप उनको माल बेचे क्यों, भाई आपने उनको माल बेच दिए, अब पक्का सर आपका पैसा वो देने वाले नहीं है। अब सर सवाल यहाँ पूरी क्लास ये आ रहा है कि भाई एक भाई ने पैसा डुबा दिया, भाई दूसरे ने पैसा, तो तीसरा बंदा क्या बोलेगा, सर पक्का ये भी तो पैसा डुबाएगा ना सर। अब मेरे पास मेरे चार भाई कौन कौन से है, रामू, कामू, नानू और मामू, क्या आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से क्या ये दोनों बंदे पैसा देने वाले हैं सर? भाई शुरुआत के दो भाई तो पैसा दिए नहीं, एक ने 4,000 नहीं दिया, एक ने 6,000 नहीं दिया, अब मुझे कितना तकरीबन 50,000 पैसा मिलने वाला है। अब सब बारी आती है किसके, नानू की। एक बंदा सर मेरे पास है, उसने बोला अरे सर नानू भी सर कम नहीं है, नानू भी कम नहीं है सर, वो आएगा आपका पैसा डुबा के जाएगा, बोला नहीं सर मैं आऊंगा, वो आपके पास आएगा, क्या पता क्या बोलेगा, सर मैं आपको पैसा 2 दिन के बाद दूंगा, 2 दिन आया सर परसों दूंगा मैं, परसों आ गया सर 3 दिन के बाद दूंगा, मिस के पैसा नहीं देगा वो, और ये भी नहीं बोलेगा मैं डुबाऊंगा, वो क्या बोलेगा सर पैसा बाद में दूंगा, पैसा बाद में दूंगा, पैसा बाद में दूंगा, मिस के क्या उसने जबान से बोला कि पैसा नहीं दूंगा मैं, सर दूंगा, सर कब दोगे वो तो बताओ, कब दोगे वो तो बताओ, सर बाद में, सर कौन से बाद में सर, सर 3 दिन के बाद, सर 3 दिन आ गया,
अरे मैंने 3 दिन अगले महीने की बात किया था, मैंने 15 डेज की बात करो पूरी क्लास। मींस के सर ये जो आपके पास जानू क्या बोलते हैं सर कि मैं आपको पैसा डुबाऊंगा नहीं सर, लेकिन चांसेस है सर, ऐसा चांस है शहीम, ऐसा चांस है सर कि ये बंदा पैसा डुबा के भागेगा। अब बोले सर मुझे सामने वाले पे डाउट है, राशिद अली सर मुझे डाउट आ रहा है कि ये जो आपके पास नानू है ये आपका पैसा डुबा के चले जाएगा, पैसा डुबा के भाग जाएगा। सर यहाँ पे आपको डाउट है भाई, यहाँ पे आपको सर यकीन है? ये बंदे ने क्या बोला सर, मैं आऊंगा पैसा आपको नहीं, मतलब पैसा उसने डुबा के चले गया। सर ये आपका पूरा 100% फिक्स है, ये भी आपका फिक्स है, बट सर ये जो आपके पास नानू क्या बोलता है कि ये बंदा कुछ ना हो सर, तकरीबन जो 2000 रुपए है सर, ये बंदा यहाँ पे डुबाने का चांस है, डुबाने का सर यहाँ पे चांस है। डुबाएगा यहाँ पे सर, क्या पैसा डूब गया सर? ये पैसा आपका पूरा, ये पैसा आपका, ये पैसा सर डूबने वाला है, डूबा है क्या अभी तक का? नहीं डूबा है। बचा कितना मेरे पास? 48,000। अब लास्ट मेरे पास है पे कौन बच गया पूरी क्लास? बोले सर एक फैमिली के 4 भाई और सब यहाँ पे सब पैसा डूबा हुआ है। फर्स्ट मेरे पास रामू, सेकंड मेरे पास कामू, थर्ड मेरे पास नानू और 14 मेरे पास आ गया है मामू। ओ मामू आपने पैसा डुबाने वाले हो क्या? अब जरा सोच के बताओ पूरी क्लास, क्या मामू पैसा डुबा देगा क्या? नहीं सर, पक्का? अरे भाई एक फैमिली में 4 लोग थे भाई, 3 ने पैसा डुबा दिया, पक्का 14 भी तो पैसा डुबाएगा ना सर? मैंने ऐसा सोच लिया कि सर मे बी पॉसिबल हो, मे बी पॉसिबल हो सर कि ये जो आपके पास मामू है सर, ये भी आपका तकरीबन 3000 रुपया आपका डुबा दे सर। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा? 45,000। पूरी क्लास जल्दी से बताओ कि सर आपने कितने रुपए का माल बेचे थे? पूरा 60,000 का। अब मुझे कितना पैसा मिलेगा? 45। मतलब के सर बीच में आपका जो 15,000 रुपए है सर, ये भाइयों ने डुबा दिए सर पूरा 15,000। बोले सर ऐसे भाई को माल बेचने मत यहाँ पे। इधर फर्स्ट मेरे पास कौन है, सेकंड मेरे पास कौन है, थर्ड मेरे पास कौन है और लास्ट मेरे पास क्या है? प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। क्या सर रामू ने बोला सर पैसा नहीं दूंगा मैं, पक्का पैसा नहीं दूंगा? प्लीज क्लास जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स। कभी आपने वर्ड सुने बैड, बैड और गुड? गुड का मतलब प्लीज क्लास अच्छा, और बैड सर थोड़ा सा अच्छा, खराब सर, खराब ना बैड। कभी आपने पूरी क्लास वर्ड सुने यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म CO डॉट, कंपनी का शॉर्ट फॉर्म कंपनी, लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सर? LTD लिमिटेड। क्या पूरी क्लास क्या आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो डेटर का? डेटर का शॉर्ट फॉर्म मेरे पास पूरी क्लास एक वर्ड यहाँ पे आएगा बैड। वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या है? बैड। बैड का मतलब क्या होता है सर? खराब, बुरा सर, बुरा इंसान सर, बुरा इंसान है वो। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो क्या? बैड डेट्स, बैड डेट्स। इसका मतलब पूरी क्लास क्या होता है? खराब डेटर। पैसा डुबाऊ सर, पैसा पैसा सर डुबा के चले गया। प्लीज प्लीज बात को समझो, रामू एंड कामू क्या दोनों ने पैसा डुबाए थे? क्या दोनों को बैड डेट्स का नाम दो? सर ये भी आपका हो जाएगा बैड डेट्स। इधर ये भी आप इधर यहां पे देखते हैं, फर्स्ट मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है? बैड डेट्स। सर ये आपका कौन सा वाला भाई है? सबका पहला वाला भाई सर, बड़ा भाई है। सेकंड मेरे पास कौन आ रहा है सर? कामू। क्या कामू ने पैसा डुबाया था? इसको भी क्या नाम दूंगा मैं सर? बैड डेट्स का नाम दूंगा। तीसरा मेरे पास है अभी कौन आ रहा है? नानू। क्या नानू ने सर मुंह से बोला पैसा नहीं दूंगा सर मैं? सर आपको डाउट है, आपको सर यहाँ पे शक है कि ये बंदा हो सकता है पैसा ना दे, ऐसा पैसा नहीं देगा कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। चांसेस सर यहाँ पे तो मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, तीसरा वर्ड दैट इज कॉल्ड RDD। इसका मतलब पूरी क्लास क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कि सर ये पैसा आपका डूबने का चांस है। डूबा है क्या? क्या डूबा है? क्या डूबा है? डूबने का चांस है। इधर पूरी क्लास लास्ट मेरे पास पूरी क्लास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मामू। क्या मामू ने पैसा डुबा दिया सर? ये भी डूबने का चांस है। तो नेक्स्ट मेरे पास नंबर 4 में क्या आ जाएगा सर? RDD। मतलब के सर चारों भाई का सर आपने यहाँ पे नाम लिख लिए। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है सर? बैड डेट्स, बैड डेट्स, RDD, RDD। मतलब के सर ये पहला भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा भाई। अब सर यहाँ पे दो दो नाम सेम है सर, बैड डेट्स, बैड डेट्स। समझ में नहीं आ रहा कि पहले कौन सा बैड डेट, बाद में कौन सा बैड डेट्स। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करना है। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। देखो सर कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि
एक नाम के साथ दो बच्चे रहते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला साजिद सर, साजिद ये भी साजिद वो भी है, अब सर किसी ने बोला उनको सरनेम से बुलाओ, मालूम पड़ा दोनों का सरनेम भी खान है सर, खान साजिद, खान साजिद। अरे सर अब्बा का नाम, दोनों के अब्बा का नाम भी सेम है, खान साजिद इस्माइल, खान साजिद इस्माइल। अब सर ये क्या हुआ भाई, एक स्टूडेंट है मतलब क्लास में दो स्टूडेंट है सर, दोनों का सर यहाँ पे नाम सेम है भाई, दोनों का परसेंटेज सेम है, दोनों का सर यहाँ सरनेम भी सेम है, दोनों का सर यहाँ अब्बू का नाम भी सेम है, अब क्या करूं सर, उनकी पहचान यहाँ पे कैसी होगी? क्या दोनों का प्लेस सेम हो सकता है, उनकी जगह मेरे पास अलग है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस अलग उसका एड्रेस अलग। तो कहने का सिंपल मतलब प्री क्लास ये हुआ, अगर जब दो अगर दो कॉन्सेप्ट आपको एक नाम वाले आ गए सर, उनकी पहचान मेरे पास कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सर ये जो मेरे पास बैडनेस है इसको मैं कैसे पहचानूं, मतलब सर मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड ऐड करूं जिससे मुझे इसकी पहचान हो सके? एनीबॉडी एल्स? बैड डैड्स, आरडी आरडी। सर दो नाम एक जैसे हैं सर, मुझे इनकी पहचान करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना। सिंपल मैंने सर यहाँ पे ऐड किया है, एक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यू बैड डैड्स और एक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड बैड डैड्स। बोले सर न्यू वाले, अरे बोलो ना, न्यू वाले और न्यू वाले और ओल्ड वाले, ठीक है, न्यू वाले और ओल्ड वाले। इधर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे न्यू बैड डैड्स ओल्ड बैड डैड्स, न्यू बैड डैड्स ओल्ड बैड डैड्स। अब मेरे पास सिंपल यहाँ पे आएगा न्यू आरडी और सेकंड मेरे पास ओल्ड आरडी। बोले सर ये आपने सर कैसा नाम दिया इन लोग को?